हेलो किड्स हाउ यू ऑल होप यू आर फाइन एंड सेफ सो किड्स आज आपके लिए कुछ है क्या है वो सामने आपको दिख रहा है यस नाउ यू हैव टू टेल मी कि आपको क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में जल्दी से बता दीजिए ओके डॉग रैबिट हॉर्स एंड काउ

फॉलिंग मतलब आसमान गिर रहा है तो आप मुझे बताइए आसमान नीचे गिर सकता है क्या चलिए देखते हैं इस कहानी में आसमान कैसे नीचे गिरता है कोकोनट ट्री एक मुर्गी कुट कुट कुटक्कू -कुट करती हुई नारियल के पेड़ के पास खड़ी हुई थी

कहा क्या कहा आसमान गिर रहा है आसमान गिर रहा है फॉलिंग यानी गिर रहा है और वो क्या करने लगी रैन और वह दौड़ने लगी द कॉक आस्ट वहां पर उसके साथ एक मुर्गा भी खड़ा हुआ था हैन याने मुर्गी और कॉक याने मुर्गा याद रखिएगा बच्चों मैं आपसे जेंडर भी पूछूंगी वाय आर यू रनिंग द कॉक आस्क्ड मुर्गे ने पूछा तुम क्यों दौड़ रही हो द द सेड रन स्काई इज फॉलिंग और मुर्गी ने कहा तुम भी भागो क्योंकि क्या होने वाला है आसमान गिरने वाला है द कॉक सेड आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू सो दे रैन टूगेदर टूगेदर यानी साथ में तो मुर्गे ने कहा क्या कहा आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ सो दे रैन टूगेदर और वो दोनों साथ में दौड़ने लगे ऑन द वे दे मेट अ डक यू कैन सी हियर क्या है ये डक डक यानी बदक सो so, रास्ते में ऑन द वे रास्ते में उन्हें एक कौन मिली डक डक याने बतक द डक सेड क्वैक क्वैक व्हाई आर यू रनिंग अच्छा बच्चों डक कैसी आवाज निकालती है क्वैक क्वैक राइट हम्म तो डक ने पूछा क्वैक क्वैक तुम क्यों दौड़ रहे हो द हेन सेड रन रन और मुर्गी ने कहा भागो भागो तुम भी भागो कुट कुट कुटक्कू द स्काई इज फॉलिंग, कुट कुटकू कुट -कु, आसमान गिर रहा है The duck said, I am also coming with you. और बतख ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूं एंड दे रैन टूगेदर और वे तीनों साथ में दौड़ने लगे तीनों कौन आपको दिख रहा है चित्र में जी हाँ कॉक हैन एंड डक Yes. आगे देखते हैं क्या हुआ रेबिट सो खरगोश और एक खरगोश ने उन्हें दौड़ते हुए देखा सो यानी देखा रेबिट वेयर आर यू गोइंग अब रेबिट को उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ तो उसने भी पूछा क्या पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो द हैंडसेट और मुर्गी ने फिर से उत्तर दिया क्या उत्तर दिया रन रन द फॉलिंग भागो भागो आसमान गिर रहा है सो दे ऑल रन टूगेदर और वे सभी साथ में दौड़ने लगे सभी कौन कौन बच्चों कॉक एंड रैबिट राइट अफॉक्स वॉज कमिंग आउट ऑफ हर केव और वे लोग जब दौड़ रहे थे तो अपनी गुफा से, गुफा, से बाहर आ रही थी ओ माई डियर वॉट इज द मैटर और उसने भी इन सब को भागते हुए देखा और ये लोग क्यों भाग रहे थे क्योंकि मुर्गी ने कहा आसमान गिर रहा है यस सो शी आस्क्ड ओ माय डियर व्हाट इज द मैटर और लोमड़ी ने उनसे पूछा मेरे प्यारों क्या बात है आप क्यों भाग रहे हैं द देंड सेड मुर्गी ने फिर से कहा द स्काई इज फॉलिंग वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस आसमान घिर रहा है और हम सब राजा के महल में जा रहे हैं पैलेस और लोमड़ी ने कहा कि दोस्तों मैं राजा के महल का रास्ता जानती हूँ आई विल टेक यू देयर और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी यस यस

कॉक, हैन, डक, रैबिट, एक के बाद एक गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं जा रहे हैं देन? नाउ यू हैव टू टेल मी वॉट अब मुझे आपको बताना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा बताइए बच्चों क्या हुआ होगा क्या फॉक्स ने उन सबको राजा के महल तक पहुंचाया होगा या फिर कुछ और ये आपको मुझे बताना है ठीक है बच्चों तो आई होप कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और इसका उत्तर आप मुझे जरूर दीजिएगा ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि इस स्टोरी में हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे हैं फर्स्ट वन इज टी ओ जी ई टी एच ई आर टूगेदर टूगेदर यानी साथ में है ना आपने बार बार सुना ना दे रैन टूगेदर दे रैन टूगेदर यानी वेरी नाइस लोमड़ी पैलेस पी ए एल ए सीई पैलेस पैलेस यानी महल केव सी ए व केव यानी गुफा एस के वाई स्काय स्का आकाश या आसमान जी हां आसमान क्या होने वाला था घिरने वाला था किसने कहा था हेन ने रिमेंबर गैस जी यू डबल एस गैस गैस करना यानी अंदाजा लगाना जी हां तो देखिए आपने स्टोरी सुन ली अब इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी और जिसका आंसर आप मुझे देंगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर वन इज वट फेल फ्रॉम द ट्री आई रिपीट द क्वेश्चन व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री पेड़ से क्या गिरा क्या गिरा था पेड़ से right a nut fell from the tree a nut fell from the tree very good kids question number 2 is who said the sky is falling who said the sky is falling किसने कहा कि आसमान गिर रहा है आपको याद है ना Yes, the answer is the hen said the sky is falling. मुर्गी ने कहा आसमान गिर रहा है। Question number three is where did the fox take them? लोमड़ी उन सब को कहाँ लेकर गई? कहाँ लेकर गई थी? Yes, the answer is the fox took them into the cave. लोमड़ी उन्हें अपनी गुफा के अंदर ले गई वेरी गुड किड्स चलिए यहाँ पर एक चीज और है आपके लिए क्या है मैच द पेयर आपने राइमिंग वर्ड्स के बारे में तो सुना होगा जिसको बोलने से समान उच्चारण सुनाई देता है जी हाँ तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं मैच दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड और आपको मुझे फटाफट बताते जाना है कि सिमिलर साउंड कौन कौन से हैं हम वॉट इज द सिमिलर साउंड ऑफ हम यस बम लेक मेक वेरी गुड वेल बेल मच सच फन बन राउंड साउंड ओके okay किड्स तो आई होप कि आपने स्टोरी भी इंजॉय की और क्वेश्चन आंसर्स भी एंजॉय किए अब एक चीज आपके लिए और वो है होमवर्क यस ठीक है और होमवर्क का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें आपको घर में करनी है अभी तो आप घर में ही हैं ओके सो योर होमवर्क इज कंप्लीट द टेबल यूजिंग वर्ड्स बॉक्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हम पढ़ लेते हैं लॉयन काउ डियर क्रो कैट पैरोट स्पैरो दिखाई दे रहे हैं एंड कॉलम्स आर पैट एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और आपको उन शब्दों को चुनकर जो पैट एनिमल हैं उन्हें पैट एनिमल में जो वाइल्ड एनिमल हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल में और बर्ड्स के नाम बर्ड्स के कॉलम में लिखना है सो दिस इज योर होमवर्क एंड आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी टिल देन टेक केयर बाय